तो शुरू करते हैं हम विंडो डालना। तो हमारे पास अभी ये डेल का लैपटॉप है, हम इसमें विंडो डाल के दिखाएंगे आपको। बाकी सेम ही तरीका होता है डेल या एचपी में, विंडो 10 डालने का सेम ही तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको एक बूटेबल यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी विंडो 10 की, जो हम आपको वीडियो में लिंक दे देंगे जहाँ से आपका विंडो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बूटेबल बना के और आप डाल सकते हो। अब जैसे कि हमने ये विंडो की पेन ड्राइव लगा दी, बूटेबल पेन ड्राइव लगा दी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर बटन को ऑन करना है और F12 प्रेस करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेल के लिए F12 होता है, एचपी के लिए F9 होता है और लिनोवो के लिए F12 होता है। तो जैसे ही हम F12 प्रेस करेंगे, रिपीट प्रेस करना है, दबाना है, छोड़ना है, जिससे हमारा ये बूट मोड में चला जाएगा। बूट मोड में जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारे पास इंटरनल एचडीडी का ऑप्शन शो कर रहा है, यूएसबी स्टोरेज का ऑप्शन शो कर रहा है। तो हमने यूएसबी स्टोरेज के जरिए हम बूटेबल कर रहे हैं, विंडो 10 डाल रहे हैं इसमें। तो उस पर जाके सिंपली इंटर प्रेस करना है, क्लिक कर देना है, हमारा ये लैपटॉप हमारे पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। अब हम वेट करेंगे पेन ड्राइव को बूट होने का विंडो 10 के लिए। अब जैसे ये हमारा विंडो 10 के लिए बूट हो चुका है पेन ड्राइव से, अब इसमें हमारा लैंग्वेज मांगेगा कि हमें लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करना है। तो हम अधिकतर इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट ही रखते हैं। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ। जैसे हमारा ये ऑप्शन आता है, टिक करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट टर्म्स पे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम कस्टम पे जाएंगे, हमें हार्ड डिस्क की पार्टीशन बनानी होती है। अगर आपके पुराना हार्ड डिस्क है जिसमें आपका डी और सी बना हुआ है, तो आपको पार्टीशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी नई हार्ड डिस्क है तो पार्टीशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही ये हमारा, हम इसमें से दोबारा से नई पार्टीशन, नए सिरे से पार्टीशन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम सबको डिलीट कर देंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप पुराने लैपटॉप या पुराने पीसी में डाल रहे हो जिसमें आपका डेटा है, तो आपको उसमें डिलीट नहीं करना, आपको उसमें पार्टीशन से फॉर्मेट मारना है सी ड्राइव में, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं ये फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो हमने ये सारा डिलीट मार दिया है। तो आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हो तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपका डेटा ना हो आपके हार्ड डिस्क या एसएसडी में, क्योंकि डेटा लॉस हो जाएंगे। अब हमारा ये सारा पार्टीशन डिलीट हो गया है और ये एक ही पार्टीशन में आ गया है। हम ये न्यू पे क्रिएट करेंगे। अगर हमें दो पार्टीशन करना होगा तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे वैल्यू हमारा जो है बाइट में डलता है, तो 1 MB का साइज होता है जो बाइट में आता है 1024। तो हमें ये 100 GB का पार्टीशन बनाना है, तो 1024 पे 2 0 लगा देंगे, तो हमारा ये 100 GB का पार्टीशन हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पार्टीशन बन गया। ऊपर का पार्टीशन सिस्टम रिजर्व रखता है विंडो रिकवरी के लिए। दूसरा पार्टीशन हमारा 100 GB का बन गया। तीसरा पार्टीशन हम, अगर आपको इसमें डिवाइड करना हो तो आप उस हिसाब से वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया 1024 का 1 MB का पार्टीशन होता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके आपको जितने भी पार्टीशन बनाना है तो वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने एक पार्टीशन 100 GB का बनाया है, दूसरा पार्टीशन हम ये सेम रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम सारे पार्टीशन को एक एक करके फॉर्मेट कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि अगर जब भी आप पार्टीशन बनाते हो तो डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल ना करें, ताकि हमारे बक्स आगे कोई पुराना बक्स हो, पुराने हार्ड डिस्क में बक्स हो, तो वो ना जाए। तो हम इस लिए हम सारे पार्टीशन को फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के बाद जो हमारा विंडो होता है वो हमेशा सी ड्राइव के लिए पार्टीशन 2 होता है। फर्स्ट पार्टीशन जो होता है वो हमारे सिस्टम रिजर्व होता है, तो हम हमेशा इस पार्टीशन में ही, सेकंड पार्टीशन में ही विंडो इंस्टॉल करेंगे। इस पे सिंपली क्लिक करके
टिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ये विंडो इंस्टॉल रेडी। ये हमारा अभी टाइम लगेगा, हम इसको विंडो होने देते हैं, तब तक वेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 93% तक हो गया है, हमने वेट किया था। बहुत ही जल्द अगर SSD होता है तो बहुत ही जल्द ये इंस्टॉल हो जाता है। हार्ड डिस्क होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना होगा। जब ये 100% कंप्लीट हो जाए तो आगे का प्रोसेस होगा। हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक ही सारा चीज हो जाएगा आपका, बस वेट करना है आपको। अब जैसे ये रीस्टार्ट मांग रहा है, आप चाहो तो सिंपली रीस्टार्ट पे क्लिक करके रीस्टार्ट कर भी सकते हो, और अगर आप रीस्टार्ट पे क्लिक नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। आपका सिस्टम अगर मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट होता है, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। हमें बस वेट करना है, उसके बाद जैसे ये रीस्टार्ट होने के बाद लैंग्वेज मांगेगा, तो हमेशा हम जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो यूनाइटेड स्टेट यूज करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड लैंग्वेज होता है, वो हम इंग्लिश इंडिया रखते हैं। इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज चूज करना है तो आप ऐड पे जा सकते हो, वरना स्किप कर दें। हमारा इंग्लिश इंडिया ही होता है तो हम स्किप कर देते हैं। वाईफाई को अभी आप कनेक्ट नहीं भी कर सकते हो, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे नाम मांगेगा, आपके पीसी का नेम मांगेगा, तो कुछ भी डाल सकते हो। हम अभी डायरेक्ट एडमिन डाल देते हैं। पासवर्ड अगर आपसे पूछता है तो आप डाल भी सकते हो, हम अभी स्किप कर देते हैं। एक्सेप्ट के क्लिक करेंगे, नॉट नाउ। ये हमारा विंडो डल चुका है, रेडी होने का वेट करते हैं। जब तक हम वेट कर रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ की हम वीडियो बना के YouTube चैनल पर डाल देते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके डेस्कटॉप का आइकॉन लाने के लिए हम पर्सनलाइज पे जाएंगे, थीम्स, डेस्कटॉप आइकॉन। डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर, जो भी चीज़ आप डेस्कटॉप के आइकॉन में रखना चाहते हो उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर दें। सिंपली कट कर दें, ये आपका डेस्कटॉप का आइकन आ गया। हमारा ये विंडो डल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लैपटॉप के ड्राइवर डालना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी जानकारी आएंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें।